भिंड। दरअसल मामला भिंड जिले के ककहरा गांव का है, जहां एक दिव्यांग गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने कहा है कि यदि कोरोना वायरस महामारी में सफल इलाज के प्रयोग करने के लिए यदि भारतीय स्वास्थ्य विभाग को किसी मानव शरीर की जरूरत पड़ती है तो मैं अपना शरीर दान करने के लिए तैयार हूं। गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लिया था। वो एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन अपने को कभी भी कमजोर नहीं समझते। अपने जीवन यापन की रोजी रोटी के लिए दुकान चलाकर गुजारा कर रहे हैं। मोहन खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम खुद ही करते हैं। देश के प्रति कुछ कर गुजरने वाले इस दिव्यांग को शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद वो अपने बचत खाते से जरूरतमंदों की शादियों में बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। फिलहाल गजेंद्र रजावत उर्फ मोहन ने कोविड-19 के प्रयोग में अपना शरीर दान देने की घोषणा कर भिंड जिले के ककहरा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। कि आपने अपने शरीर को दान देने के लिए कहा, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये अपना भारत या पूरा विश्व जो इस महामारी से जूझ रहा है, इसलिए मैंने विचार लगाया कि डॉक्टर जो भी परीक्षण करना चाहते हैं, किसी मानव शरीर की जरूरत है तो मैं अपना शरीर दान कर रहा हूँ। आपने शादी की है? जी, शुरू से मेरे मन में लालसा थी कि देश की सेवा करूँ मैं, इसलिए शादी नहीं की आपने? मेरे शादी का विचार नहीं करा था। अच्छा, आप एक पैर से दिव्यांग भी हैं, फिर आपका ये खर्चा वगैरह कैसे चलता है? मैं ये जो भी छोटा दुकान कर रखी है गाँव में, उसी से जितना बनता है वो अपना गुजारा कर रहा हूँ, और जो बचता है वो सोचता हूँ समाज कल्याण में कहीं लगे जाके। प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।